आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली शराब नीति में ईडी के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई 8वीं सप्लीमेंट्री चार्ज शीट पर सोमवार को सुनवाई होगी। इस चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। 17 मई को केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एससी ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था, साथ ही कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। इसके तुरंत बाद ही ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की थी। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी थी। इसी के साथ बने रहिए एशियानिज इंडिया के साथ। धन्यवाद।